हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सावी ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। 13 साल हो गए शादी को, लग ही नहीं रहा, कल जैसी बात लग रही है। सो जैसे कि मैं हर फंक्शन सेलिब्रेट करती हूँ, सो आज भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो होने वाला है। सो आज का ये जो व्लॉग है, मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैंने जस्ट अभी नहाया है, तो देखते हैं पूरा दिन मैं क्या कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस एंड रेसिपीज पसंद आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको? करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दें। सो चलिए देखते हैं फिर क्या होने वाला है पूरा दिन। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग पूजा से। मैंने सबसे पहले की है अपने भगवान जी की पूजा और उन्हें थैंक यू बोला है कि उन्होंने इतना अच्छा हम सफर मुझे दिया। आज 13 साल हो गए उनके साथ और इन सालों में, 13 सालों में लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए और उन्होंने मुझे हर जगह बहुत अच्छे से संभाला है। सो मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, तो एक थैंक यू तो बनता है भगवान जी को। सो बस मेरी ये दिन की शुरुआत पूजा से और फिर फरमाइशों का दौर शुरू हो गया है। तो मैंने हस्बैंड से मॉर्निंग में पूछा था, आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? सो उन्होंने फरमाइश की है कि उन्हें खानी है ये पालक की पकौड़ियाँ, उन्हें बहुत पसंद है, तो मैं उनकी पसंद से ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ पालक की पकौड़ियाँ। कुछ लोग काट के बनाते हैं, पर मैं इस तरह से जो एक एक पालक की लीव्स होती है उन्हें डिप करके ही बनाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो जो लोग काट के बनाते हैं वो एक बार इस तरह से ज़रूर ये ट्राई करें और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये मैं हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। थोड़ी थोड़ी ठंडी भी आ गई है अब तो उन्हें। तो ये है आज का मेरा स्पेशल एनिवर्सरी ब्रेकफास्ट, जिसमें कि है ये पालक की कुरकुरी पकौड़ियाँ, सॉस और बादाम वाला दूध। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चाय हस्बैंड नहीं पीते हैं, सो मैं भी नहीं पीती हूँ, सो इसलिए ब्रेकफास्ट में है ये दूध। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यही कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज नान और शाही पनीर। तो सबसे पहले मैं नान बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 बाउल, जो मैंने पहले आपको दिखाया ना कटोरा, वो कटोरी मैंने मैदा लिया है और साथ ही मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। तो सबसे पहले हम नान बनाने के लिए, और मैं ये जो आटा है वो गूंद के रख दूँगी और उसमें मैंने ऐड कर दिया है ये 1/2 कटोरी दही। तो जो भी सामग्री हमें चाहिए थी वो मैंने, जब मैं पहले बोल रही थी तब आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप वापस बैक करके देख लीजिए। और इस तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है इसका, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने ये जो बैट डो है वो भी बनाकर तैयार कर लिया है और पूरा इस ये जो गूंथने के बाद इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चिकना कर देंगे ताकि इस पे जो है परत ना जमे, ठीक है? तो ये
और इसे तब 2 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे, ठीक है, सेट होने के लिए। तो जब भी आप नान बना रहे हो तो आटे को पहले से लगा लें और उसे 2 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। और ये सरप्राइज लंच है मेरे हस्बैंड के लिए, उन्हें नहीं पता है कि मैं ये सब बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें लगा मैंने ब्रेकफास्ट में पकोड़े बना दिए हैं। सो अब मैंने उनको बोला था बस अब दिन में मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस आज सिंपल खाना होगा, शाम को अब बाहर से कुछ ले आना। तो ये सरप्राइज़ है उनके लिए, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से उन्हें सरप्राइज़ करना। एंड अब मैं तैयारी कर रही हूँ शाही पनीर की, तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये 4-5 बड़े प्याज, और ये मैंने लिए हैं मगध के बीज, और बहुत सारा लहसुन, ठीक है। और अब हम इन्हें पीस के और इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेंगे। और साथ ही मैंने एक तरफ कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, घी में बना रही हूँ शाही पनीर, क्योंकि बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है घी में इसका। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है ये कुछ खड़े मसाले, जिसमें की हैं लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। तो जब भी आप कोई स्पेशल शाही सब्ज़ी जब बना रहे हो तो ये खड़े मसाले ज़रूर डालें। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस रेसिपी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इनसे जो सब्ज़ी का जो टेस्ट रहता है ना वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ये आप ज़रूर उसमें ऐड करें। और फिर जो ग्रेवी हमने प्याज लहसुन और मगध के बीज की जो ग्रेवी बनाई है पीस के, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मगध के जो बीज मैंने इसमें डाले हैं वो मैंने काजू की जगह इस्तेमाल किए हैं, तो ये सस्ते भी आते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, और ग्रेवी जो आपकी वो बेस्ट बनती है, बिल्कुल काजू डालने जैसा ही टेस्ट आता है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, और बिल्कुल एकदम मस्त वाली सब्ज़ी जो है वो आपकी बन के तैयार होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि ये जो प्याज है वो बिल्कुल इसका पानी जो है जल ना जाए, ठीक है। और फिर इसमें जो टमाटर हमने लिए थे 3, वो भी हम इसमें पीस कर डाल देंगे, और जो भी सारे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्याज हमें ज़्यादा लेने हैं और टमाटर कम, मैंने 4 बड़े प्याज लिए थे, 5 बड़े प्याज लिए थे और 2 टमाटर लिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, एंड वाकई में अगर आप एक बार इस तरह से सब्ज़ी बना कर देखेंगे तो आप इसका टेस्ट ना वो भूल नहीं पाएंगे, इतनी मतलब गजब की सब्ज़ी बनती है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, तो वो बोल भी रहे थे सुबह कि बना लो, 2-3 दिन से बोल रहे हैं, पर मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आज ये बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा हैवी हो जाती है क्योंकि घी में बनती है, और एंड में हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, यानी कि दूध की मलाई 1/2 कटोरी, ठीक है। तो काफ़ी हैवी सब्ज़ी हो जाती है, तो रोज़ रोज़ तो नहीं बना सकते हम ये, पर हाँ कभी कोई स्पेशल कुछ दिन हो आपका तो आप इसे ज़रूर घर पर बना सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो पनीर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ी देर पकाएंगे ढककर, और ध्यान रहे ये उछलता बहुत है तो थोड़ा सा ख्याल रखें हाथ में लग ना जाए जब ये पक रहा हो। और फिर सब्ज़ी को ढककर हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे। और इधर ये जो मैंने नान के लिए जो आटा तैयार किया था वो भी हमारा रेडी है, तो अब हम नान जो है वो बेल के मैं तैयार कर लूँगी। तो शेप आप जो चाहे रख सकते हैं, पर बनाना इसको थोड़ा मोटा ही है, जितनी हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा हमें इसे रखना है, क्योंकि नान थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। और आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा जो धनिया है हरा धनिया काट के भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में नहीं पसंद करते तो मैं प्लेन नान ही बना रही हूँ। और फिर क्या करना है, हमें एक तरफ इसके पानी लगा देना है इसे अच्छे से गीला करके, और फिर तवे पे डालना है गीली वाली साइड से, ठीक है, जिससे कि ये तवे पे चिपक जाए।
ये देखिए तवे पे नान बना रहे हैं, बहुत ही आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं ये, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए नान बनाना कितना आसान है, वो भी तवे पे। ठीक है, तंदूर भी है मेरे पास, बाटी तंदूर है, बट मैं ये तवे पे ही बनाती हूँ, मुझे इसी तरह से इजी लगता है इसको बनाना, तो ये बहुत आसान है। और देखिए इस तरह से हमें इसको तवे को जो है उल्टा करके और इसे सेकना है, नीचे से थोड़ा थोड़ा देखते रहें, चारों तरफ से सिक जाए, ऐसे ना हो कि एक तरफ से जल जाए और एक तरफ से सिक जाए, तो इसे अच्छे से इस तरह से देखते रहें। और ये देखिए ये जो नान है वो हमारे बन के तैयार है, देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और फिर इसे उतार लें, ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छा ये बन गया है, तो इस पे फिर हम लगा देंगे बटर, गर्मा गर्म सर्व करना है इसको। और ये देखिए हमारी जो शाही पनीर है वो भी बन के तैयार है, ये पकने के बाद इसका पकने का साइन यही होगा कि जो घी है वो बिल्कुल से अपना जो घी है वो छोड़ देगी ये। और ये देखिए कितनी यमी बनी है, तो ये है मेरा आज का एनिवर्सरी स्पेशल लंच, हस्बैंड आ गए हैं अब तो बस मैं ये उनको परोसने वाली हूँ। तो ये है आज का लंच, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं ये। और ये इवनिंग का थोड़ा सा मेरा रूम डेकोरेशन एनिवर्सरी स्पेशल, बस जल्दी जल्दी में जो हाथ लगा मुझे, और मैंने सिर्फ ये 15 मिनट में ये जो डेकोरेशन है उसे कंप्लीट किया है बस, क्योंकि बाहर हम लोग जाते नहीं हैं इतना, जो भी सेलिब्रेशन होता है घर पे ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ अलग करूँ मैं, तो मैंने बस ये थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। आई होप आप लोगों को, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और मेरे पास भी मेमोरीज सेव हो जाएगी, तो मैं हर साल कुछ ना कुछ इस तरह से डेकोरेट करती हूँ। और जो भी ये मैंने डेकोरेशन का जो भी मैंने ये लिया है सब मेरे पास घर पे ही था, मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं लिया है, जो मेरे पास था बन पड़ा जो भी चीज़ें थी मैंने इधर उधर उनको सेट करके थोड़ा सा डेकोरेट किया है रूम को। तो ये जो फेरी लाइट्स है ये मुझे बहुत पसंद है रूम में, अभी हाल फिलहाल दिवाली गई है तो जब ये घर पे लगी हुई थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा तो मन रहता है पूरे साल ये लगी रहे बहुत अच्छी लगती हैं ये, मुझे रोशनी बहुत पसंद है। और ये कुछ कार्ड्स हैं, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से रखे हैं, तो बस मैं बोल रही हूँ ना जो मुझे हाथ लगा, जो चीज़ मुझे बस 10-15 मिनट में जो मुझे समझ आया कि मुझे बस, और मैंने उसको इस तरह से इधर उधर सेट कर दिया है। और ये कुछ ख़ास तो नहीं पर कुछ ठीक ठाक सा रूम जो है मेरा डेकोरेट हो गया है, और ये मैंने इवनिंग में किया है। देखिए मैं लाउड लाइट जो है ऑफ़ करके भी आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये, कितना प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा से कुछ सामान से अगर आप भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कुछ सामान से और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है जो मेरे पास रखे हुए थे पहले से ही। और ये केक है तो ये भी झटपट में ही मंगवाया है, आज बनाया नहीं है बनाने का मूड नहीं था आज,
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पूरा दिन परेशान हो जाती, क्योंकि स्पेशल लंच बनाया और फिर केक के में भी पूरा दिन लग जाता है बनाने में। तो ये मैंने मार्केट से ही ऑर्डर किया है। ये देखिए लाइट ऑफ करने के बाद कितना अच्छा रूम का लुक आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसे ये कार्ड्स और वगैरह, तो ये कार्ड्स जो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर जो या कभी वैलेंटाइन डे पे कभी एनिवर्सरी पे ये उन्होंने मुझे दिए हैं वही कार्ड्स हैं। और मैंने ये यहाँ पे इसको लगाई, हम दोनों की एक साथ की पिक है फ्रेम में, वो मैंने यहाँ लगा दिए। तो आज 13 साल पूरे हो गए हैं शादी को, लगता ही नहीं है, जैसे कल की ही बात लग रही है। 13 साल बीत गए देखते ही देखते, और बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं लाइफ में। लाइफ बहुत आगे बढ़ गई है, 2 बेटियां है प्यारी सी अब मेरे, और मैं और मेरे हस्बैंड कल ही बैठ के बात कर रहे थे, याद कर रहे थे कि 13 साल बीत गए और लग ही नहीं रहा है। और वो बता रहे थे कि हाँ इस टाइम ये हो रहा था, इस टाइम मेहंदी लग रही थी, इस टाइम बारात पहुंचने वाली थी। तो अच्छा लगता है इस तरह से याद करते हैं हम सारी चीज़ें एक साथ बैठ के। तो उन्हें नहीं पता है मैंने इस तरह से रूम डेकोरेशन किया है, और ये है मेरे हस्बैंड तो साथ में मेरे बच्चे। तो बच्चों को तो, छोटी बिटिया को तो यूँ लग रहा है कि उसका बर्थडे ही है, उसे एनिवर्सरी समझ नहीं है अभी इतनी। तो वही जो है उसे केक कट करना है ज़िद करके, वो थोड़ी सी शैतान है। तो बस इस तरह से मैंने अपने आज के दिन को जो है सेलिब्रेट किया। और ये हमारा दिल थोड़ा सा सेल्फी आना, और एक दो सेल्फी तो बनती ही है जब नया कुछ पहनो। और हाँ, ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो मेरे साहब ने मुझे गिफ्ट किया है, जो कि है ये पायल, बहुत सारे घुंघरू वाली पायल, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत सारे घुंघरू वाली पायल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। एंड आप सोच रहे होंगे ये तो मेरा गिफ्ट और मैंने अपने साहब को क्या गिफ्ट दिया है। तो मैंने ऑनलाइन उनके लिए कुछ ऑर्डर किया था, वो थोड़ा लेट हो गया आने में, आ नहीं पाया। तो बस ये था मेरा आज का पूरा दिन और एक छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप इसी तरह के और वीडियोस देख सकें। तो फिर से मिलते हैं आपके अपने सावी ऑल इन वन चैनल पे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।